अरे यार, ये कौन सा पोकेमोन है? Hey guys and welcome back to the Pokemon Dark Rising version। जहाँ पे गए थे पिछली बार हम लोगों ने बैटल किया था अगेंस्ट दी व्लैडमेयर एंड फाइनली हमें पता चला जो लेडी बिहाइंड दी अम्ब्रेला उसका नाम क्या है, जो कि है इबोनी और वो मेन लीडर है। अगर डारुगिस के अगर कह सकते हो ना गाइस, यार डारुगिस के बाद जो मेन लीडर है वही इबोनी है, उसकी सर्वेंट। बट गाइजर उसके साथ हमने पता लगाया कि हमें अभी किसको फाइंड करना है, जो कि है गाइजर एमरिस। क्योंकि गाइजर सारी के सारी जो मेम्बर्स है जो डार्क राइजिंग में काम कर रहे थे, जहाँ पे अपने डैड उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे, वो सभी को पनिश किया गया है, बट स्टिल एमरिस बची हुई है। तो हमें उस इबोनी के एंड वैलमेर के पहले ही हमें जो है गाइज यार कह सकते हो कि फाइंड करना होगा यहाँ पे एमरिस को। बट आज ना मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो क्यू। तो क्यों ना गाइज यार यहाँ पर अभी हम नीचे चलकर एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्या है नीचे जो हमें यहाँ पे नीचे लेकर आ चुका है। तो अगेंस्ट कौन है ये यहाँ पे? ए लाइट है, ऑल राइट। तो इसी कारण मैं जा नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है। ओके, तो तुम ज्यूल के लिए आए हो? ये ज्यूल, अगर तुम्हारे पास ज्यूल ऑफ लाइट है तो तुम्हें इसका मतलब है कि यस मैं हूँ वो तीसरा चुने गया। मेरी फैमिली प्रोटेक्टर थे आर्शियस के, गार्डियंस ऑफ द ज्यूल, और काफ़ी सारे उन्होंने टास्क दिए थे सिंस जब मैं पैदा हुआ था। बट अभी नहीं, मैं उन आर्शियस का स्लेव नहीं हूँ। अगर तुम आर्शियस का स्मार्ट होगे तो तुम्हें भी उसे अबैंडन करना चाहिए। बट तुम स्टिल अभी डारुगिस के लिए काम कर रहे हो, तो तुम किसी के तो स्लेव हुए ही ना? मैं अभी अपने खुशी से काम कर रहा हूँ। ये मेरी अभी सिर्फ मैंने डारुगिस से थोड़ा स्मॉल फेवर्स मांगे और उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पावर दे दी। और उन बच्चों का क्या जो पीछे कर रहे हैं, उनके सोल्स अभी इनसाइड है। बस थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम कर रहा था। मतलब मेरी तरफ मत देखो, उनके सोल्स सेफ और इंटैक्ट है। ये देखो, उसने एक मल्टीपल वाइट ऑप्स पकड़ के रखा हुआ है, ये बने हुए हैं एक आइडल बेट। तुम्हें उनके सोल्स वापस देने होंगे अभी के इसी वक्त, वरना मैं तुम पर अटैक मैं इनके सोल्स वापस दे दूंगा एज सून एज कि ये मैं नई पावर इस्तेमाल करूं। उसने कुछ तो डार्क पोकेबॉल समॉन किया है, क्या तुम तैयार हो? शेट, कौन सा पोकेमोन है गाइस यार यहाँ पर मुझे पता नहीं, बट अगेंस्ट हमारा बैटल अगेंस्ट द लाइट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। ओके, मेटाग्रॉस उसने फर्स्टली लेकर आ चुका है, कोई बात नहीं यार। यहाँ पर अभी हम लेकर आ जाते हैं अपने फ्लेम थ्रोवर को। लेट्स गो गाइस यार, यहाँ पर अभी हम दे देते हैं यहाँ पर फ्लेम थ्रोवर एंड दैट्स इट। अरे यार थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज बच गया मुझे, वरना मैं अभी दैट्स इट बोलने ही वाला था, बट कोई बात नहीं यार गाइस। यहाँ पर जो है उसने हीलिंग करा दी है ऑल्दो। तो गाइस यार यहाँ पर अभी मैं फिर से एक बार जाता हूँ फ्लेम थ्रोवर के साथ, देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी फ्लेम थ्रोवर कैसे वर्क करता है। प्लीज़। अरे यार थोड़ा सा फिर से बच गया, तो क्यों ना। ओके, उसने विड्रॉ कर लिया है अपने मेटाग्रॉस को एंड उसने बुला लिया है। अरे यार ये कौन सा पोकेमोन है? अरे कोनार्क, अभी इसको कौन सा यार हम अटैक दें? तो ड्रैगन पल्स के साथ तो जा रहा हूँ, बट इसने अवॉइड कर दिया वंडर गार्ड की वजह से। अभी मैं जाता हूँ फ्लेम थ्रोवर के साथ, फिर से इसने अवॉइड कर दिया। अरे यार हम दे तो दे क्या करें। और मैं यहाँ पे मार्शल को बुला रहा हूँ, मडी वाटर के साथ जाता हूँ मैं। अरे यार 6 HP पर रहकर स्टिल एंड कोनार, अच्छा हुआ गाइजर यहाँ पर अभी ये डाउन हो गए, बट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पोकेमोन था यार ये। तो अपना मार्शल जा चुका है लेवल 59 पर। ओके, चैंप भी जा चुका है गाइजर यहाँ पर लेवल 59 पर। नेक्स्ट है गाइजर यहाँ पर अभी मेटाग्रॉस, तो मेटाग्रॉस के खिलाफ ना मैं लेकर आना चाहूँगा अपने ब्लेड को, नहीं अपने मार्शल को ही रख देते हैं। मडी वाटर के साथ जाएंगे क्योंकि बस थोड़ी सी HP बाकी थी मेटाग्रॉस की, तो मेटाग्रॉस को जो है हमने यहाँ पे डाउन कर दिया है। तो टोटल मैंने उसके बस 2 ही पोकेमोन डाउन कर पाया हूँ। नेक्स्ट अप है गाइजर यहाँ पर अभी सुईकुन, तो सुईकुन के खिलाफ ना मैं लेकर आना चाहूँगा अपने ब्लेड को। अभी भी गाइजर यहाँ पर उसके 4 पोकेमोन स्टिल रिमेन है, तो उसके खिलाफ ना मैं दूंगा यहाँ पर एक लीफ ब्लेड के साथ। जाते हैं, देखते हैं यार अभी लीफ ब्लेड कैसे वर्क होती है यहाँ पर। ऑल राइट,
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ही तो हिट हो गई, बट इतना ज़्यादा उसे डैमेज तो नहीं कर पाई। तो क्यों ना अभी हम जाते हैं यहाँ पर गाइस एक थंडर पंच के साथ एंड देते हैं एक थंडर पंच। अरे यार ये भी इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर पाया एंड यहाँ पर अपना ब्लेड जो है वो डाउन हो चुका है। तो क्यों ना यहाँ पर मैं मेटा को बुला के थंडर पंच के साथ जो हूँ वो इस सब बैटल को जो है गाइस पहले तो मीटर मॉच दे देते हैं। तो अभी बस मुझे एक कह सकते हो कि थंडर पंच, अरे यार इसने रेस्ट करा दी, साइकिक के साथ जाते हैं। क्यों ना गाइस अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साइकिक के साथ ही चले जाए। एक दो साइकिक दे दिए हैं मैंने, तो अभी मेरे पास जो है वो थंडर पंच है, तो अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं एंड दैट्स इट। तो सुईकोन भी गाइजर यहाँ पर अभी डाउन हो चुका है। तो थर्ड वन देख लेते हैं, नहीं फोर्थ वन पोकेमॉन को देख लेते हैं। ओके स्कोलीपीड है, तो स्कोलीपीड के खिलाफ भी मुझे लगता है कि एक साइकिक काम आ सकता है, क्योंकि गाइजर स्टील टाइप्स के खिलाफ पॉइजन टाइप काफ़ी ज़्यादा हावी रहते हैं, बट फिर भी मैं साइकिक के साथ जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो स्कोलीपीड को भी हमने गाइजर यहाँ पर अभी हरा दिया है। नेक्स्ट पोकेमॉन देख लेते हैं उसका कौन सा है, स्नोरलैक्स। ऑलराइट, तो स्नोरलैक्स के खिलाफ ना हम दे देंगे गाइजर यहाँ पर अभी एक डायनामिक पंच। पहले तो मीटर मैच के साथ जाते हैं यार, मीटर मैच दे देते हैं पहले तो, क्योंकि गाइस ये स्नोरलैक्स मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस डैमेज भी करेगा एंड इसके लेफ्ट ओवर एंड इसकी जो एचपी है ना वो भी मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाइस यार टाइम पास करा सकती है ये बैटल। बट कोई बात नहीं यार, यहाँ पर अभी मैंने, अरे यार थोड़ा सा जो है वो एक्सपीरियंस बची इसकी एंड मुझे लगता है कि गाइस ये हीलिंग के लिए जाएगा। यस हीलिंग के लिए ही गया ये। ओके यार डायनामिक पंच दो बार मिस हो गया ऑल दो एंड यहाँ पर अपना मेटा जो है गाइजर यहाँ पर डाउन हो चुका है। तो मैं अभी यहाँ पर अपने चैंप को लेकर आ जाता हूँ और ड्रैगन पल्स दे देंगे यार, बार बार ड्रैगन पल्स के साथ ही चले जाते हैं। फास्ट कर रहा हूँ मैं बैटल अभी, क्योंकि यार और स्लो गया तो फिर और टाइम पास हो जाएगा इस बैटल को कम्प्लीट करने के लिए। तो जितना हो सके हम इतने ज़्यादा तेज़ी से इस स्नोरलैक्स को हरा देते हैं। तो एक आखिरी वाला जो हूँ मैं एक ड्रैगन पल्स दे दे रहा हूँ, अरे यार फिर से बच गया। ओके स्लैक ऑफ अभी के लिए चले जा चुका है, पता नहीं यार ये कितना इसके यार इसके पास एक्सपीरियंस एंड कह सकते हो ना। ओके अर्थक्वेक दे दिया है मैंने उसको, फिर भी नहीं डाउन हुआ। तो अरे यार ये कितना क्यों थका रहे हो यार। ओके ड्रैगन क्लॉ दे दिया है मैंने, एक और ड्रैगन क्लॉ के साथ जाते हैं। ऑल राइट, तो आई गेस कि हमें बस एक लास्ट वाला ड्रैगन क्लॉ देना होगा इसे हराने के लिए। दैट्स इट, फाइनली यार हमने ड्रैगन क्लॉ देकर लाइट को हमने डिफीट कर दिया है। अरे नहीं यार अभी भी उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है जो कि है गाइस यहाँ पर अभी ड्रैगोनाइट। दैट्स इट, तो यहाँ पर मैंने गाइस ड्रैगोनाइट को भी हरा दिया है। तो जी लिए गाइस यार फाइनली मैंने लाइट को जो है वो डिफीट कर दिया है। नहीं कुछ मैटर नहीं करता, यू आर द स्लेव विद द नो ऑफ माइंड योर्स, नेवर्थलेस तुमने मेरी टेस्ट को पास कर दिया है। मैं तुम्हें एक विश ऑनर करता हूँ, ये ज्यूल ऑफ लाइफ अभी मेरे किसी भी काम का नहीं है, बट ये प्रूफ है कि तुम इसे कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो। हियर, अभी मुझे इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। तो हमें अभी रिसीव हो चुका है द ज्यूवल ऑफ लाइफ। ए बट तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं पैदा हुआ था तब मैं आशियस को ही प्रोटेक्ट कर रहा था, मैंने अपना सारा बचपन उसकी रक्षा करने में गवा दिया। अब मैं कभी भी इन बच्चों की तरह कभी भी फ्रीली खेल नहीं पा रहा था। बट ये थोड़ा सा साउंड बिटर कर रहा है, जो तुम कर रहे थे वो अच्छा काम था, ये तुम खुद के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते और तुम औरों के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के लिए, और इन बच्चों पर तो कभी भी नहीं। जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। मुझे पास आई विल हैव नो लॉन्गर बी अ स्लेव ऑफ आर्शियस विशेस, दैट्स व्हाई मैंने डारुक इसकी पावर को चुना। क्रिएचर क्रिएशन, क्रिएचर क्रिएशन, अभी ये शायद किसी वो पोकेमॉन होगा जो हम लोगों ने जस्ट उसकी पावर देखी। मुझे लगता है कि उसने एक पोकेमॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे क्रिएट किया होगा एक नया पोकेमॉन। तो मैं स्टिल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी है ध्रुव, बाद में मिलते हैं। ऑल राइट, ओके तो ये सारे बच्चे अभी होश में आ चुके हैं गाइस यार, अभी मुझे जो है इनको अभी भेज देता हूँ गाइस यार अपने अपने घर पर। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम जो है वो हम भी गाइस यार यहाँ पर अभी हम चले जाते हैं फिर से सैलेम में। एंड गाइस यार हम ना गाइस वहाँ से अभी सीधा से सीधा लेफ्ट आउट हो जाएंगे सैलेम से। मुझे नहीं रहना यार, काफ़ी ज़्यादा डरावना लगा, मतलब कि यार अजीब सी वाइब्स दे रहा है वो सैलेम। बट कोई बात नहीं यार, यहाँ पर मैं वो उस जगह को जो हूँ वो छोड़कर चले जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलिंग कर देता हूँ एंड लेटर ऑन दैट गाइस ना हम जो है वो सैलेम को लीव करके जो है वो चले जाएंगे। तो यस हम अभी आ चुके हैं सैलेम में एंड आप लोगों के जो कमेंट्स थे मैंने वो पढ़े गाइस यार, बट प्लीज़ आप लोग रुक यार कमेंट करता कर जाए यार मुझे कौन सा पोकेमॉन ऐड करना है। ओके ऑल राइट,
ओके तो ये है रोजरी, मुझे अपने पास और भी देखना होगा क्या है। ओके तो हमने एक लाउड स्क्रीम सुनी ग्रेवयार्ड से, शायद ये सिडनी की आवाज़ थी, वो शायद डेंजर में होगी, मुझे चेक करना होगा। ग्रेवयार्ड से गाइजर कुछ तो आवाज़ें आ रही थी, मैंने भी सुनी, जस्ट आप लोगों ने अगर सुनी ना हो तो प्लीज़ मैं मेरा आवाज़ थोड़ा कम कर दो एंड जो बैकग्राउंड नॉइज़ है मैंने जस्ट रेजअप किया है वो स्क्रीम सुन लेना। तो गाइजर पता नहीं कि वो सिडनी यहाँ पे मुझे लगता है कि खतरे में है, तो यहाँ पर अभी इसको भी हमने डिफीट कर दिया है। ओके ये कल्टिस्ट है ये, तो उसको हमने हरा के अभी मैंने इसको भी गाइस हरा दिया है। तो चलते हैं गाइस अभी सीधा इसके अंदर चेक करने के लिए। ओ यही है एमरिस मेंशन, वेट यही मर्डरर है, अभी वक्त है पे करने का, ध्रुव भाग जाओ, ये लोग काफी पावरफुल है। यस उसके पास वो जो गाय है कैडन है और वो साकुरा है, वो लोग वी के बच्चे हैं। मैंने उन्हें व्लाडिमिर को मैंने सुनते हुए देखा कि व्लाडिमिर उनको कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ वी के साथ। फिर चार लोग आए, एक जो था उसके बाल येलो कलर के थे और उन्होंने दो क्यूरम को दे दिया है। गाइस जो क्यूरम थे ना इन दोनों के पास चले जा चुके हैं एंड इन दोनों को लगता है गाइस कि हमने ही जो है इनके डैड को मार दिया है। यार ये व्लाडिमिर ना यार सच्ची में बोल रहा हूँ, ये ना मुझे गाइस यार पूरा का पूरा जो है वो फंसा रहा है इन बच्चों में। यार मेरी थोड़ी सी बैड इंप्रेशन डाल रहा है, यार मैंने नहीं मारा है तुम्हारे डैड को, मैं खुद अभी भी उस सदमे से उठ रहा हूँ अभी जस्ट यार। बट क्या करे गाइस यार, इन लोगों को मैं कैसे समझाऊँ कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। कुछ गाइस यार समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको कैसे समझाऊँ। छोड़ देते हैं गाइस यार, मुझे लगता है कि अगर इनके साथ हम बैटल करके जीत जाए तो शायद ये मेरा कहना मान जाए। बट अगर मैंने इनको गाइस यार हरा भी दिया तभी भी गाइस यार इनके खिलाफ इनको मेरे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़ रहेगी। पता नहीं गाइस यार अभी मैं जो हूँ वो इनको कैसे समझाऊँ, यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आइस पंच देखे मैंने यहाँ पे फर्स्ट को जो है यहाँ पे डिफीट तो कर दिया है, मड़ी वाटर को दे देते हैं यहाँ पर अभी ब्लेजिगन के खिलाफ, शायद एक काम कर जाए मड़ी वाटर, तो देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी एंड दैट्स इट। अब ब्लेजिगन को तो हमने हरा दिया है गाइस यार एंड स्लैकिंग को भी हमने डिफीट कर दिया है, तो इसी के साथ हमने हरा दिया है अब डार्क बॉस कैडन को। ओके तुम पे करोगे इसके लिए, अभी तुमने मेरे भाई को हरा दिया बट तुम मेरे खिलाफ कुछ भी स्टैंड आउट नहीं कर सकते, ये है मेरे फादर के लिए। ऑल राइट गाइस यार अभी इसकी लड़की भी हमसे बैटल कर रही है, यार इतनी सुंदर लड़की को यार इसको हमसे चीड़ हो गई है, मतलब कि यार क्या बोले अभी इस व्लाडिमिर को, एक अच्छी लड़की के सामने हमारा इतना बुरा इंप्रेशन कर दिया है ना इस व्लाडिमिर ने और वो जो दारुग इसकी जो नाइट्स है ना उन लोगों ने, कि गाइजर इन लोगों ने ना हमारे खिलाफ इन लोगों को भड़का दिया। बोले तो क्या करें यार अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी मैं जो हूँ यहाँ पर अपने चैंप को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और ड्रैगन पल्स के साथ चले जाएंगे गाइजर यहाँ पर अभी। ओके तो क्यूरम को जो है यहाँ पर मैंने हरा दिया है, ऑल दो अच्छी बात थी मेरे लिए। तो ये नेक्स्ट अप है गाइजर अभी एम्पोलियन, तो एम्पोलियन के खिलाफ ना मैं लेकर आना चाहूँगा अपने ब्लेड को, तो हम दे देंगे गाइजर यहाँ पर अभी ब्लीफ ब्लेड। ब्लीफ ब्लेड के साथ मैं चले जाता हूँ यहाँ पर, प्लीज़ डाउन हो जा रही यार, थोड़ी सी अभी भी हिट बची थी उसको, तो अभी हम दे देंगे गाइजर अभी थंडर पंच। ओके डबल एस देकर उसने हमारे ब्लेड को तो डाउन कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ पर मेटा को लेकर आ जाता हूँ, दे देंगे गाइजर एक थंडर पंच एंड दैट्स इट। क्या लगता है गाइज यार थंडर पंच सभी लोग को इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो क्या हमें एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक टाइप ऐड करना चाहिए, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना लास्ट पोकेमोन कौन होगा प्लीज़ गाइस यार आप लोग कमेंट में जाके बता दो यार, इतना भी भाव मत खाओ यार, प्लीज़ जाके कमेंट में बता दो कि हमें अपना लास्ट पोकेमोन कौन सा ऐड करना चाहिए। तो जी हाँ गाइस यार एक साइकिक से मैंने यहाँ पर इसके स्केप्टल को भी डिफीट कर दिया है एंड दैट्स इट। यहाँ पर गाइस यार हमने डिफीट कर दिया है इस साकुरा को भी, हार कह सकती हूँ। ओके 4700 अर्निंग हुई यहाँ पे, मैं तुम्हें हराऊंगी। रुको तुम सब लोग गलत समझ रहे हो, तुम्हारे डैड एनस्लेव हो चुके थे दारुगिस के, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की बट मेरे फादर टॉर्मेंटेड हुए थे और वो अंडरवर्ल्ड में चले गए थे तुम्हारे डैड की वजह से।
लेडी पोनी ने हमारे हमें तुम्हारे बारे में वॉर्न भी किया था, तुम्हारी झूठ के बारे में। उन्होंने हमारी मदद भी करी थी हमारे डैड की, बट तुमने उन्हें मार दिया। व्लैडिमिर और उनके थग्स सेड कि उन्होंने सब कुछ देख लिया था ये करते हुए। ऐसा नहीं है जो कि हुआ था, तुम लोग गलत सुन रहे हो, प्लीज मेरी बात सुनो। वी ने जो कि तुम्हें जो कुछ भी तुम्हें बताया है वो सब वो तुम्हें मिस कर रहा था। स्टॉप, तुम झूठे। चलो साकुरा। शेट गाइज यार, तुम इन सब के लिए पे करोगे। लेडी वॉनी हमारी मदद करेगी। ट्रू, ओके। ये सब क्या चल क्या रहा है यार? यस, तुमने अपना बेस्ट दिया, बट इन गाइस को हुआ क्या था? वो जो लड़की थी वहाँ पे, उसने केडन को लेकर आए एंड साकुरा को, उसने हमारे न्यूएस्ट पार्टनर को रेस्क्यू किया केल्डियो। हे, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक यंग लेडी हूँ, अपने आप को देखो। ओके, सिडनी की बात कर रहा था ये। ओके, सो तो तुमने केल्डियो को अपनी टीम में ऐड कर लिया है? लिसन, मैंने चार लोगों से मिला इबोनी, उसने कहा कि डारुगेस नाइट्स देख रहे हैं एम्ब्रिस को, यस, और एक पोकेमोन जैसा केल्डियो की तरह दिख रहा है, यस, इन दोनों को वो ढूंढ रहे हैं। वेट, और कुछ मत बोलना, मुझे एक थोड़ी सी डेंजरस प्रेजेंस लग रही है यहाँ पे। ओके देन, मुझे एम्ब्रिस को फाइंड करना होगा बिफोर कि वो थग्स फाइंड कर ले। ओके, मैं बाद में मिलता हूँ। वेल, आई सपोज कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? फिजिकली यहाँ, बट मेंटली नहीं। सिंस मैंने फर्स्ट डारुगेस को डिस्ट्रॉय करने का मिशन बना लिया था, मैं तब से ड्रैगन के कॉल सुन रही थी, शायद वो दोनों क्यूरम थे। ये क्लोज है। ओके, तो शायद तुम्हें क्यूरम की आवाज़ आ रही थी क्योंकि तुम्हें दो दो ड्रैगन नजर आ रहे थे। तो क्यूरम कोई क्लोन था क्या जो नाइट ने दिया था? यस, क्या एक येलो हेड का लड़का एक नाइट की तरह नहीं लगता? एक ह्यूज आर्मर गाय जो था वो हिट हो रहा था और दो लोग के साथ, बट नाउ ये रोवर मेरे माइंड में चलते ही जा रहा है लाउडर, और जो असली है वो नज़दीक है। वेल, आई गेस मैं अपने रास्ते चले जाती हूँ। तो मुझे लगता है गाइस यार, मुझे भी अपने यहाँ पर एपिसोड को ख़त्म करना चाहिए, काफ़ी लंबा एपिसोड चले गया, बट मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया यार इस एपिसोड में। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना, एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन डार्क राइजिंग वर्जन। तब तक के लिए गाइस ना, गुड बाय।